जहाँ की माटी के कण कण में वीरता की सुगंध, बलिदान की गाथाएं और देश प्रेम का रंग है। जब हम हर वक्त देश की आन बान और शान के लिए यहाँ के शूरवीर रणबांकुरे अपनी जान बलिदान करने को तत्पर रहते हैं, जहाँ हर वक्त साहित्य और संस्कृति का झरना बहता रहता है। वास्तव में राजस्थान का इतिहास वीरता, शौर्य, त्याग और तपस्या का इतिहास है। आज के युवाओं को राजस्थान, विशेषकर मेवाड़, बागड़ के गौरवमय अतीत से प्रेरणा लेने तथा पुरातन और नूतन के समन्वय के साथ सुंदर उजला राजस्थान बनाने में अपना योगदान देने की जरूरत है। यहाँ के राजाओं ने अपने प्रण और वचन के लिए अपने सर कटा दिए, मगर कभी भी सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। वाकई में हमारा ये मरु प्रदेश राजस्थान शूरवीरों का वो प्रदेश है, जिसने हमेशा अपने त्याग और बलिदानों से पूरे विश्व में अपनी एक अमिट छाप छोड़ी है। अब पराजय है राजस्थान, जिसका नाम लेते ही सबकी आंखों में शौर्य और वीरता का अमर इतिहास उमड़ आता है और खड़कते खाने बिजलियों की तरह कौन उठते थे। घाटियों पठारों को गुंजाती हुई घोड़ों की टांगे बादलों की सी रचना करने लगती है। धरत की ज्वाला में सर्वस्व का भाव करने वाली कंपनियां और केसरिया की सुमत परिधानों वाले मातृभूमि की रक्षा में प्राण देने वाले झुंझार साक्षात सामने प्रतीत होते हैं। वाकई राजस्थान इज अ ग्रेट हिस्टोरिकल प्लेस। इट इज फेमस फॉर इट्स हेरिटेज, सैक्रिफाइसेस एंड ब्रेवरी। इतना सब इस प्रदेश के बारे में बयान करते करते मुझे यह एहसास होता है कि वाकई में इस प्रदेश का बखान करने में न जाने कितने विमान हम पड़ सकते हैं। आज राजस्थान के गौरव शौर्यों की नगरी उदयपुर में हम सभी 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी नेता मेवाड़ बागड़ के स्वतंत्रता सेनानी व्यक्तित्व एवं कृतित्व के उद्घाटन उत्सव में मौजूद हैं। आज की इस रौनक भरी खुशनुमा गाथा में मुझे खुशी है कि माणिकलाल वर्माश्रम जी भी महाविद्यालय के इतिहास और संस्कृति विभाग के विभाग को ICHR द्वारा इस राष्ट्रीय संगोष्ठी के आयोजन की महती जिम्मेदारी सौंपी गई है। मैं सभागार में विराजित सभी विद्वजनों का हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करती हूँ। सो सूरज भी यहाँ ऐसी बात बन गई, आप सभी यहाँ आ रहे हैं तो इन पदों की औकात बन गई। आप तो जानते हैं कि इतिहास हमेशा कई बार अपने आप को दोहराता है और इस 2 दिवसीय संगोष्ठी में उपस्थित तमाम उद्घाटक इतिहास को खंगालने का और टटोलने का भरसक प्रयास करेंगे। मैं राष्ट्रीय संगोष्ठी की सफलता और सार्थकता के लिए अपनी शुभकामनाएं अर्पित करते हुए पुनः आप सभी का स्नेह स्वागत वंदन करती हूँ। मैं विशेष रूप से स्वागत करना चाहूंगी आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कुलपति जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ विश्वविद्यालय माननीय कर्नल प्रोफेसर एस एस सारंग साहब का। आप हमारे विद्यापीठ विद्यालय के कुशल साथी हैं। आपका उत्साह, समर्पणशीलता और जुगाड़ व्यक्तित्व हमें सदैव ऊर्जावान बनाए रखा है और इस गौरवशाली संस्थान को नई ऊंचाइयों तक पहुँचाने के लिए प्रेरित करता रहता है। आपके लिए कहना चाहूंगी कि फूल कांटों में भी मुस्कुराते थे, जिंदगी का सबक सिखाते थे। आप जब भी हमारे बीच आते थे रात रूप नहीं दिखाते थे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आप इतने व्यस्त थे और मॉर्निंग फ्लाइट से सुबह उदयपुर पहुंचने, लेकिन आपकी पूजा के वाकई में हम सब सलाम करते हैं कि आपने भी समय पर इस कार्यक्रम की गरिमा बढ़ाने के लिए हमारे बीच उपस्थित हो गए। मैं विशेष रूप से स्वागत करना चाहूंगी हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य वक्ता डॉक्टर राजेश कुमार जी, निदेशक ICHR। आप इस सब प्रयासों से ही इस गोष्ठी को इस आयाम तक पहुंचाने में हमें सफलता मिली है। आपकी मंगलमय उपस्थिति को भी मैं नमन करती हूँ। आपके लिए कहना चाहूंगी कि हमदर्द है, नेक है और ज्ञान मानसिक इस शख्स से अपनी बस इतनी सी पहचान है। बहुत ही सहज सरल व्यक्तित्व को हम अपने बीच पाकर हमें दुख है। मैं हमारे असिस्टेंट रजिस्ट्रार डॉक्टर धर्मेंद्र राजौरा और इस संगोष्ठी के आयोजक और विभाग
अध्यक्ष डॉक्टर एम एन चौधरी इतिहास और संस्कृति विभाग के उपाध्यक्ष भी हैं, वो विशेष रूप से हार्दिक बधाई देना चाहूंगी कि आपने इस विराट आयोजन को सफल बनाने के लिए हर संभव जतन किए हैं। मैं सभागार के विराजित इतिहास विज्ञ विषय निष्णात आमंत्रित अतिथियों सम्मानित गुरुजनों स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार से पधारे हुए अतिथियों शिक्षक वर्ग डीन डायरेक्टर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रिसर्च स्कॉलर्स विद्यार्थियों शोधार्थियों सभी का और मीडिया कर्मियों सभी का हृदय की गहराइयों से कोटि कोटि उल्लास के साथ हार्दिक स्वागत वंदन और नमन करती हूँ। वाकई आप सभी की उपस्थिति ने इस आयोजन की गरिमा में चार चांद लगा दिए हैं। मैं माननीय इतिहास में कुछ नाम होंगे, मैं कुछ नाम छूट जाऊंगी तो मुझे क्षमा करें। प्रोफेसर जी माथुर, प्रोफेसर डी के माथुर, प्रोफेसर अरुण बाघेला, प्रोफेसर नीलम कौशिक, प्रोफेसर अविनाश तिवारी, प्रोफेसर एस पी व्यास, प्रोफेसर मीना गौड़, प्रोफेसर प्रतिभा, प्रोफेसर मनोरमा एवं तमाम इतिहास विज्ञ जो देश के विभिन्न कोनों से विभिन्न देशों से हमारे बीच में शिरकत करने पधार रहे हैं, उन सभी का हमारे विद्यालय परिवार की तरफ से राजस्थान विद्यापीठ विश्वविद्यालय की तरफ से हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करती हूँ। वाकई में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में अनेक महापुरुषों और स्वतंत्रता सेनानियों का योगदान रहा है। इस महान स्वतंत्रता संग्राम में राजस्थान की अछूता नहीं रहा है। पुरुषों के साथ साथ महिलाओं ने भी स्वतंत्रता संग्राम में बढ़ चढ़कर अपना योगदान दिया है। साथियों, आजादी सिर्फ पंखों के गुच्छों से उड़ना नहीं है, कोई इसे चंद शब्दों में महसूस कर सकता है, कोई इसे व्यवहार में, परंतु यह अमूल्य है, अतुलनीय है इसका एहसास। संघर्ष, पीड़ा, विरोध और स्वतंत्रता प्राप्त करने में आने वाली बाधाओं में ये ऐसी कठिनाइयां हैं जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता है। आज जब भारत अपनी स्वतंत्रता के 75वें वर्षगांठ का उत्सव मना रहा है, आइए हम मेवाड़ के स्वतंत्रता सेनानियों के कार्यों और उनके बलिदानों को स्वीकार करें और विद्यापीठ ने उनको सम्मानित करके उनके सहयोग को उनके बलिदानों को सराहा है। मैं इसके लिए सभी स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार जो भी सदस्य बधाई दें उनका पुनः महाविद्यालय विश्वविद्यालय परिवार की तरफ से हार्दिक स्वागत वंदन नमन करता हूँ। आज हम इस प्रांगण में बैठे हैं वह स्वतंत्रता की अलग जगाने वाला है। यहाँ 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन का आरंभ हुआ, उसमें इस संस्थान के संस्थापक मनीषी पंडित जनार्दन राय माधव ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है, मैं उन्हें शत शत नमन करती हूँ। पहले यह सरेकिया ग्राउंड के नाम से जगह जानी जाती थी, जो कि अपने आप में एक क्रांतिकारियों का बीजारोपण यहाँ से हुआ करता था। स्वतंत्रता सेनानियों में मुझे कुछ नाम याद आते हैं जिनको मैं यहाँ पर प्रस्तुत करना चाहूंगी, जिनमें इंदिरा दिवया है, माटीलाल वर्मा जी हैं, मोहनलाल दिस्फाड़िया है, अर्जुनलाल सिंह जेठी है, केसर सिंह जी बालक है, गोपाल सिंह जी खरवा है, बलवंत सिंह जी मेहता है, श्री कनक मधुकर जी हैं, निराला जी कोठारी, प्रेम नारायण जी माथुर, नारायण देवी वर्मा, जानकी देवी बजाज, दुर्गा देवी, फुलन देवी, शांति देवी, त्रिवेदी राम नारायण चौधरी, मोंगीला दी तेजावत, अनेक ऐसी विभूतियाँ हैं जिनका नाम और हाँ मुझे उम्मीद है कि संगोष्ठी में सम्मानित शोध पत्रों के माध्यम से इसके बारे में विस्तार से चर्चा होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। मैं अंत में पुनः कहते हैं कि हिस्ट्री नेवर सेज गुड बाय, हिस्ट्री ऑलवेज सेज सी यू लेटर। तो मैं अंत में इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी। हम तो वक्त हैं, गुजर जाएंगे, किसी के दिल में तो किसी की आंखों में बस जाएंगे। वक्त को जो शेष है उसे विशेष बनाएं, वरना अवशेष तो होना ही है। एक बार पुनः आप सभी ने हमारे इस कार्यक्रम को, हमारे इस आमंत्रण को स्वीकार किया और बधाकर इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। एक बार पुनः महाविद्यालय और विश्वविद्यालय की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत वंदन बहुत 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 सहायक होगी।
आदरणीय डॉक्टर निधि चौधरी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। विमोचन सत्याग्रह के क्रम में मैं आमंत्रित कर रही हूँ प्रोफेसर सोनल जापान की पुस्तक कुमार ठाकुर का ऐतिहासिक तथ्य। मैं आदरणीय दिलीप जी चौहान सर से भी निवेदन करती हूँ कि वे बताएं। डॉक्टर सोनल चौहान सहायक आचार्य इतिहास शिक्षा मणिकीरा शर्मा शक्ति महाविद्यालय शिक्षा विभाग की पुस्तक कुमार ठाकुर का ऐतिहासिक अध्ययन। यह पुस्तक प्रशासन के सहायक बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आप मेरी जिस बात कर रही हूँ कि हमारे प्रेरणा स्रोत ऊर्जा